Good morning. Hope you guys are doing good. Or welcome back to my channel. आप सब लोग कैसे हो? तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मेरे ये पॉट्स को देख लीजिए. मैंने ये पॉट्स नए खरीदे और इसको रिपोर्टिंग कर दिया मैंने सिंगोनियम. और वहाँ पे कॉलियस भी है, वहाँ पे देखिए, दिखाती हूँ. देखिए ये मेरे रीअरेंजमेंट को. ये थोड़ी सी सूख गई है क्योंकि मैंने कल अब्सॉर्ब नहीं किया तो पानी स्प्रे करना भूल गया था. तो थोड़ी सी मैं अभी स्प्रे कर दूंगी. दैट डजंट मेक एनी ए प्रॉब्लम. तो कैसी लग रही है मेरी ये अरेंजमेंट? आप कुछ, ये मेरी छोटी सी बैल्कनी में एक साइड का पोर्शन है जो खाली था, तो मैंने सोचा ठीक है इसको रख देती हूँ. अब बताइए मेरे को ये कैसा लग रहा है अरेंजमेंट, क्योंकि मेरे पास ये ऐसे टाइप के पॉट्स नहीं थे स्क्वायर वाला, तो मैंने ये स्क्वायर वाला पॉट्स लाके. इट लुक्स नाइस राइट? मुझे कमेंट. देखिए बर्ड की आवाज़ सुनाई दे रही है आपको. इट फील्स वेरी गुड, नो पीसफुल एनवायरनमेंट. चलिए ठीक है. तो ये कैसी लग रही है आपको अरेंजमेंट मुझे बताइए. अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करना मत भूलिए. देखिए इसके सिंगोनियम अभी बहुत सारे यहाँ पे आ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं. अभी मॉर्निंग का टाइम है तो इतना शोर शराबा शुरू नहीं हुआ है, इसीलिए मैं वीडियो निकलना था आपको. चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ अपडेट्स. ये आपको याद है ये वाली एडेनियम? ये वाली अडेनियम आपको याद है? होप यू रिमेम्बर. एक महीने पहले मैंने इसको खरीदा था और पानी बिल्कुल भी नहीं दिया था. अभी देखिए इसका ग्रोथ कैसे हुआ है. अभी समर का सीजन भी धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है. आई मीन टू से इट्स स्प्रिंग सीजन, बट जो हॉट एरियाज में, थोड़े ज़्यादा गर्मी के एरियाज में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है. जैसे हमारे हैदराबाद में भी बहुत गर्मी शुरू हो गई है, तो ये वाली इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ हो गया. दिस इज़ वन अपडेट विच आई वॉन्टेड टू गिव यू. ये देखिए पूरे निकल के आ गए. सेकेंड अपडेट चलिए मैं बताती हूँ क्या ग्रोथ हुआ है मेरे गार्डन में. साइड में मुझे दिखाना था तो ये देखिए कोलेंचो जो हार्डी प्लांट है बहुत, इसकी ग्रोथ अपने आप हो रही है. देखिए एक बर्ड सारे तो इसके आना शुरू हो जाए. इसको मैं धूप में थोड़ी सी लगा दूंगी. ये एक छोटे से अपडेट है. नेक्स्ट अपडेट ये सीजन इज़ वेरी फेवरेबल टू ग्रोथ ऑफ एनी प्लांट. इसमें गुड़ाई करते हैं ये टाइम पे, बहुत सारे काम करते हैं फेब्रवरी मार्च के, स्पेशली फेब्रवरी के महीने में. ये अब मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखिए बहुत दिनों के प्लांट, बहुत दिनों के बाद इसमें एक नई ऐसे नो टहनियाँ आए हैं. देखिए ग्रोथ. तो बेसिकली सब प्लांट्स के डोरमेंसी पीरियड रहता है. और देखिए ये कैसा, मैंने पहले काट लिया था तो ये दो तीन थे, अभी ये नई टहनी आ गई है. तो बस ये एक नेक्स्ट अपडेट है. ये देखिए ये एक अपडेट, ये देखिए
ये एक अपडेट देना था। और क्या क्या ग्रोथ है, क्योंकि ये सीजन जो है ये ग्रोथ का सीजन है, प्लांट्स के ग्रोथ के सीजन है ये जो, तो मैं अभी बताती हूँ और क्या क्या अपडेट है। ये देखिए मेरे कैप्सिकम के पौधे, यहाँ पे मैंने साइड में ऐसे सीड्स डाल दिए थे, तो इट्स ग्रोइंग वेरी हेल्दी। ये देखिए पापल बुश के साथ मैंने डाल दिया था, तो इट्स ग्रोइंग वेरी नाइसली। ये देखिए और एक जगह पे भी मैंने डाला था, ये देखिए ये मेरे ग्रो बैग में कैप्सिकम के बहुत सारे पौधे आ गए हैं, बहुत सारे प्लांट्स आ गए हैं, तो मैं इसको शायद रीपॉटिंग कर सक, तो ये देखिए उसका एक अपडेट है, बहुत सारे आ गए हैं। अभी इसको अगर नहीं निकालूंगे तो एक ही जगह रखूंगी तो इनका ग्रोथ ठीक से हो नहीं पाएगा प्रोबेबली। शायद यहाँ पे देखिए बर्ड भी आना शुरू हो चुका है, ये देख रहे हैं, देख रहे हैं? मैं दिखाती हूँ, ये देख रहे हैं बर्ड्स भी आना शुरू हो चुके हैं। तो ठीक है, मैं इसको अभी थोड़ा सा केयर करूँगी, खाद वगैरह डालूंगी, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ इसका, मैं आपको इसका भी अपडेट दूंगी। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। ये मैंने अपना अपडेट्स क्या, ये मैंने बनाना जो था एक थोड़ी एक डिफरेंट प्लास्टिक बैग में, तो मैंने ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया। ये देखिए इट्स ग्रोइंग वेरी नाइस नाउ, ये देखिए ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया। इसमें मैं कुकुम्बर और कैप्सिकम के जो थे सीड्स लगाए थे वो अभी नाउ दे आर ग्रोइंग वेरी गुड। अभी इसमें मैंने टहनियाँ कट करके रख, ये देखिए उसके टहनियाँ कट करके मैंने लगाया था, पता नहीं अगर आपको इसमें मालूम पड़ सके, देखिए ये पता नहीं, ये तो जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, अगर टहनियाँ से ये बच जाते हैं कि इसका क्या ग्रोथ हो सकता है, देखना पड़ेगा। सेकेंडली ये नींबू के, देखिए नींबू के प्लांट स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ये एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। और कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं है, इसको मैंने रीअरेंजमेंट किया है, देखिए इसको थोड़े से मैंने रीअरेंजमेंट किया है, क्योंकि मैं तो इधर उधर जो पड़े थे मैंने जस्ट इसको रीअरेंज किया है एक ही जगह पे, छोटी सी गार्डन है मेरी कोई, लेकिन इसको मैं ग्रो करूँगी बहुत जल्दी, तो प्लानिंग चल रही। हाँ तो और एक अपडेट मैं देना चाहती थी, ये देखिए इसका भी टाइम शुरू, इसका भी ग्रोथ का पीरियड शुरू हो चुका है। कड़ी पत्ता है ये, और कड़ी पत्ता की प्लांट है ये, इसको देखिए मैं छोटी सी बैग में, मैं इसको एक्चुअली चेंज नहीं किया था बिकॉज मैं देख रही थी अगर ये ग्रो हो रहा है, क्योंकि ये पूरे आ नहीं रहते, अभी सडनली देख रही हूँ कि ये इसका ग्रोथ आना शुरू हो चुका है। अभी मैं थोड़ी सी उसका केयर लूँगी, क्या क्या केयर ले रही हूँ मैं भी बताऊँगी एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का भी डालूँगी। तो इसका भी मैंने कैसे केयर लूँगी, मैं कैसे केयर लूँगी मैं इसको बताऊँगी, कड़ी पत्ता का। इसको मैं रिपोर्टिंग भी करूँगी थोड़ी सी, एक हफ्ते के बाद इसको रिपोर्टिंग करूँगी, बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है अभी देखिए। तो इनका अभी सीजन शुरू हो चुका है, फेब्रुअरी मंथ में मैक्सिमम अच्छा स्पीड ग्रोथ होता है, तो उसको ज़्यादा केयर लेना पड़ता है। चलिए टमाटोज बहुत सारे आ गए हैं, इसका हार्वेस्ट करने का भी टाइम आ चुका है। आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने टमाटो इतना राइप नहीं हुए थे, अभी देखिए सब हो चुके हैं, तो उसको मैं हार्वेस्ट करूँगी, मैंने इसे बांध दिया था। और एक अपडेट मैं देना चाहती हूँ, चलिए और एक अपडेट मैं दूंगी क्या, हाँ ये देखिए ये आप क्या बोलते हैं, हम लोग उड़िया में मल्ली फूल बोलते हैं, मल्ली बोलते हैं, और तेलुगु में मोगरा बोलते हैं। ये देखिए ये प्लांट का ग्रोथ देखिए, तो मैंने उसको नॉर्मल केयर ही हमेशा, क्योंकि इसके पत्ते ऐसे थे आई वॉज इन डाउट कि ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे, या तो फिर इनका क्या हालत है, बट नाउ आई कुड सी कि ये अभी तक है, तो मतलब ग्रोथ इनका शुरू हो चुका है, तो शायद मुझे इनका अभी स्पेशल केयर लेना पड़ेगा मोगरा फूल का। मैं अभी देखती हूँ इनको कैसा क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऑब्जर्व किया फेब्रुअरी मंथ में, लास्ट फेब्रुअरी या मार्च मंथ के बीच में ये पत्ते जो इसमें थे, नाउ यू कैन सी, मतलब ऑटोमेटिक ही है, कोई मैंने कुछ ज़्यादा डाला नहीं खाद वगैरह, जो नॉर्मली खाद डालती हूँ कॉम्पोस्ट वर्मी कॉम्पोस्ट जो भी है, बट इसके ग्रोथ शुरू हो गए, तो
तो फेब्रुअरी मंथ में और मार्च मंथ का ये जो स्प्रिंग सीजन है गिव्स न्यू बर्ड्स न्यू बर्थ द प्लांट, तो एकदम नई तरीके से प्लांट तैयार होता है। तो यही छोटी सी अपडेट थी कि सीजन में अभी मुझे और अभी तो मैं एक्सपीरियंस ले रही हूँ, जो भी मैं एक्सपीरियंस ले रही हूँ तो और कर रही हूँ आपको आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी थोड़ी सी नॉलेज थोड़ी सी नॉलेज ऑल्सो इट वर्क्स अ लॉट, वॉट एवर आई एम गेनिंग द नॉलेज आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो डाला है क्या क्या अपडेट्स। ये देखिए ये फूल ऐसे थे जैसे ये पत्ते देख रहे हैं ये ऐसे एकदम पीले थे और अभी ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये पीरियड फेब्रुअरी मंथ में हुआ है और मैंने उसका कोई केयर नहीं लिया था, छोड़ दिया था, तो सोचा अगर चलेगी तो भी। देखिए ये टहनियाँ सब ये देख रहे अपने आप ही सब निकले, तो इनका पीरियड होता है डोर्मेंसी पीरियड जैसे ख़त्म होता है अभी इनका एक्टिव पीरियड स्टार्ट हो चुका है, अभी अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो अभी मैं उनको खाद वगैरह सब दूंगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। ठीक है, तो चलिए फिर मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।